यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने फॉक्स की तरह ड्रेसअप किया है, हैलोवीन के लिए नहीं बल्कि अपने छोटे से पेशेंट के लिए। रिचमंड वर्जीनिया के एक एली में अपने डॉग के साथ वॉक करते हुए एक आदमी ने इस न्यूली बॉर्न फॉक्स कब को देखा और उसे लेकर रिचमंड सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स में दे दिया। वाइल्ड लाइफ सेंटर के स्टाफ ने पहले तो इस कब की फैमिली को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन जब इस फॉक्स का डेन उन्हें मिला तो उन्हें ये पता चला कि फॉक्स की पूरी फैमिली को ट्रैप करके रिमूव कर दिया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेलिसा स्टैनली ने इस कब को फीड करते वक्त एक हाइपर रियलिस्टिक फॉक्स मास्क पहना। उन्होंने उस कब को एक लार्ज फॉक्स स्टफ एनिमल भी दिया जिससे कब को ये लगे कि वो अपनी मम्मी के साथ है। स्टैनली का ये मानना है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ह्यूमंस के आसपास रहने की आदत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली वापस जंगल्स में रिलीज कर देना चाहिए जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और वो अपनी स्पीशीज को पहचान कर अपनी फैमिली लाइन को आगे भी बढ़ा पाएंगे।